What's up guys? Mixed Mind में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त अरंजय सूर्यवंशी और आज का हमारा विषय है एटम्स की खोज। चलिए शुरू करते हैं। साथियों, अगर हम आसान भाषा में बात करें कि एटम्स क्या है, तो एटम्स हर जगह है, वो कण कण में है, जैसे हमारे वातावरण में और हमारी संरचना करने में भी एटम्स का ही योगदान है। जैसे ईंटें घर को बनाती हैं, ठीक वैसे ही एटम्स भी निर्माण का कार्य करता है। हम और हमारे चारों तरफ जो कुछ भी है, सब कुछ एटम्स का ही बना हुआ है। दोस्तों, पहले माना जाता था कि एटम्स ही सबसे छोटे पार्टिकल्स हैं, लेकिन बाद में खोजकर्ताओं ने यह पता लगाया कि एटम्स से भी छोटे पार्टिकल्स मौजूद हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। ये सभी सब पार्टिकल्स कहलाते हैं। दोस्तों, हमें एटम्स के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए पहले उनसे जुड़े कुछ और शब्दों को समझना पड़ेगा, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला है मॉलिक्यूल्स। साथियों, मॉलिक्यूल्स कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स से ही बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कार्बन के दो एटम मिलकर एक एलिमेंट C2 बनाएंगे। अगला है कंपाउंड्स। दोस्तों, कंपाउंड्स अलग अलग तरह के एटम से बनते हैं। अगला है मास। मास एक तरह का मैप है जो ये मापने के काम आता है कि एक ऑब्जेक्ट कितना मैटर कॉन्टेन करता है। मास नंबर। दोस्तों, मास नंबर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से बनते हैं जो कि एटम के न्यूक्लियस यानी कि केंद्र में पाए जाते हैं। अगला है आइसोटॉप्स, जिसमें एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स होते हैं, एटॉमिक नंबर सेम होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी होती है लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होती है। अगला है आइसोवर्स। दोस्तों, आइसोवर्स वो होते हैं जिसमें एटम्स डिफरेंट एलिमेंट के होते हैं और डिफरेंट ही एटॉमिक नंबर होते हैं लेकिन मास नंबर एक जैसे होते हैं। और अगला है वैलेंसी। दोस्तों, वैलेंसी एटम्स के आउटर मोस्ट शेल को वैलेंसी शेल कहते हैं। दोस्तों, एटम की खोज भारत में 6वीं शताब्दी से शुरू हुई थी और इसका सबूत हमें भगवद गीता में भी मिलता है, क्योंकि संस्कृत में एटम को अणु कहते हैं। दोस्तों, धर्मकृति एक फिलोसोफर है जिन्होंने कहा है कि मैटर 4 तत्वों से मिलकर बना है, हवा, पानी, पृथ्वी और अग्नि। दोस्तों, एटम एक ग्रीक शब्द है जिसे हम एटमोस भी कहते हैं, जिसका मतलब होता है जिसे ना कभी जोड़ा जा सके और ना ही कभी बनाया जा सके। दोस्तों, एटम का सफर 5वीं शताब्दी से शुरू हुआ था। इसकी शुरुआत ल्यूसिपिकस, जो कि एक ग्रीक फिलोसोफर हैं, उन्होंने की। दोस्तों, डेमोक्रिटस का मानना था कि जो सबसे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो एटम्स कहलाते हैं, लेकिन इस बात को गलत साबित किया अरिस्टोटल ने। उनका कहना था कि एटम जैसी कोई चीज एक्सिस्ट ही नहीं करती और उनकी बात को लोगों ने मान लिया। दोस्तों, बाद में जॉन डाल्टन, जो कि एक ब्रिटिश केमिस्ट थे, उन्होंने डेमोक्रिटस के कॉन्सेप्ट को रिवाइव किया और 3 आइडियाज दिए जिन्हें डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के नाम से जाना गया। आइए जानते हैं उनके आइडियाज के बारे में। पहला आइडिया, परमाणु सबसे छोटा कण है, इसलिए सारे पदार्थ परमाणु से ही बने हैं। परमाणु को और अधिक भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता। इसका एकमात्र कारण यही था कि परमाणु अपनी पहचान खो देगा, इसलिए ना तो परमाणु को बनाया जा सकता है और ना ही परमाणु को कभी खत्म किया जा सकता है। दूसरा आइडिया, जो परमाणु समान तत्वों के होते हैं वो एक जैसे द्रव्यमान यानी समान द्रव्यमान के होते हैं और आकार में एक जैसे होते हैं। तीसरा आइडिया, एटम्स जब ज्वाइन हो जाते हैं तो वो कंपाउंड फॉर्म्स करते हैं। डाल्टन सिद्धांत की आलोचना। दोस्तों, डाल्टन का एक सिद्धांत गलत साबित हुआ जिसमें उन्होंने ये कहा था कि परमाणु सबसे छोटा कण है। बाद में वैज्ञानिकों ने खोज निकाला कि परमाणु से भी छोटे कण होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। इनके बारे में हम आगे और भी पढ़ेंगे। दोस्तों, अगर हम परमाणु के अर्थ को समाप्त करें तो हम ये कह सकते हैं कि परमाणु ऐसे कण हैं जिन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते। दोस्तों, 18वीं शताब्दी में परमाणु पर जितनी भी बातें हुई वो सब दार्शनिक थी। ऐसा माना जाता है कि 18वीं शताब्दी में एंटोनी लेवोशर नाम के एक वैज्ञानिक आए जिन्हें हम आधुनिक रसायन विज्ञान के पिता कहते हैं। इन्होंने वास्तविक प्रायोगिक रसायन विज्ञान की अवधारणा दी। दोस्तों, इन्होंने हमें संरक्षण के नियम के कॉन्सेप्ट से परिचित कराया।
इनका कहना था कि मास को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, जैसा कि हमने परमाणु के अवधारणा में पढ़ा था। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में। सबसे पहले जानते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में। दोस्तों, इलेक्ट्रॉन का जनक जेजी थॉमसन को माना जाता है। ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं और इन्हें हम ई माइनस से डिनोट करते हैं। ये कैथोड से एनोड की ओर ट्रेवल करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। आइए दोस्तों, अब जानते हैं प्रोटॉन के बारे में। इसका जनक एर्नेस्ट गोल्डस्टाइन को माना जाता है। इसमें कैथोड से एनोड यात्रा करने पर जो उत्सर्जन होता है वो सकारात्मक कण प्रोटॉन कहलाते हैं। इसका सिंबल पी प्लस है। चलिए दोस्तों, अब आखिर में बात करते हैं न्यूट्रॉन की। इसका जनक जे चैडविक को माना जाता है। ये अपरिवर्तित कण होते हैं। इसका सिंबल एन है। दोस्तों, एटम के केंद्र में न्यूक्लियस होता है जो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। इन सब से मिलकर एटम बनता है। 450 साल पहले यूनानी दार्शनिक डेमोक्रेटस हेरन ने कहा था कि जब हम किसी चीज को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना चाहें तो हम उसे एक ही वक्त पर छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं काट सकते। उसने इन बिना कटे हुए छोटे टुकड़ों को ही एटमोस का नाम दिया। 200 साल बाद यूनानी दार्शनिक अरिस्टोटेलू ने डेमोक्रेटस के विचार को खारिज कर दिया। उसने कहा कि परमाणु का विचार सब बकवास है। लेकिन फिर 200 साल के बाद इस सिद्धांत को स्वीकार कर लिया गया। उसके बाद जॉन डाल्टन ने डाल्टन परमाणु थ्योरी दी। उसने कहा कि सभी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं और इन कणों को एटम कहते हैं। एटम अटूट और अविभाजित होते हैं। अलग एलिमेंट के एटम का मास अलग होता है। रासायनिक प्रक्रिया में परमाणु की पुनर्व्यवस्था होती है। कंपाउंड्स दो या दो से अलग तरह के परमाणु से मिलकर बने होते हैं। अंग्रेजी भौतिक विज्ञानी जोसेफ जॉन थॉमसन ने बताया कि कैथोड रे में नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जिसका मास हाइड्रोजन से 100 गुना कम है। कणों में उसे कोशिका का नाम दिया गया जिसको आज हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। 1909 में जर्मन भौतिक विज्ञानी जोहान्स विल्हेम गीगर ने इंग्लैंड में जन्मे न्यूजीलैंड के भौतिक विज्ञानी अर्नेस्ट मार्शडन, जो कि एक भौतिक विज्ञानी अर्नेस्ट रदरफोर्ड के तहत काम कर रहे थे, उन्होंने रेडियम ब्रोमान से जो अल्फा रेज की बीम निकलती है उसे गोल्ड की एक शीट पे बमबार्ड किया। जिंक सल्फाइड की शीट का उन्होंने उपयोग किया अल्फा रेज का पता लगाने के लिए। अल्फा कण विक्षेपित हुए और अलग अलग कोणों पर बिखर गए। तो उन्होंने बताया कि जो न्यूक्लियस है वो एक एटम के सेंटर में पाया जाता है।